रामपुर शाहबाद क्षेत्र में आज प्रेक्षक ने सघन चेकिंग अभियान चलाया एवं कई वाहनों को रोक रोक कर गहनता से चेकिंग की गई। शाहबाद शाम लगभग 4 बजे प्रेक्षक बी इलान गोवन IRS अपने दल बल के साथ रामपुर चौराहे पर पहुंचे, वहां चेक कर रहे SST टीम के प्रभारी डॉक्टर इदरीस अहमद, जो पहले से ही वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, उनके साथ मिलकर प्रत्येक वाहन की चेकिंग की गई। प्रेक्षक बी इलान गोवन ने बताया कि प्रत्येक वाहन की चेकिंग करना अनिवार्य है, चाहे वे लोड हो या अनलोड हो, किसी भी वाहन को बिना चेकिंग के ना जाने दिया जाए। उन्होंने खास तौर से राजनीतिक दलों की गाड़ियों को चेक कराया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व गठबंधन के प्रचार वाहनों की चेकिंग कराई। प्रत्येक गाड़ी की सघन चेकिंग की गई। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 53 वाहन चेक किए गए। वाहन चेकिंग से दोराहे पर वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। उनके साथ लाइजिंग ऑफिसर आदित्य कुमार, SST टीम प्रभारी डॉक्टर इदरीस अहमद, शाहबाद पुलिस के SSI सुरजीत सिंह, उनके साथ चल रहे SI शेर सिंह व दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। चेकिंग चलाया गया लगभग अभी 2 बजे से जी, लगभग 53 गाड़ियाँ अब तक चेक हो चुकी जी। और कोई भी गाड़ी मतलब रोड पे कोई भी गाड़ी ऐसी बच के न जाए जो आपको लगे किसी भी तरह की गाड़ी हो, बड़ा वाहन हो छोटा वाहन हो, सभी गाड़ियाँ चेक करें। क्या इसमें एम्बुलेंस वगैरह भी चेक करने का निर्देश है? अच्छा, आपको कोई विशेष निर्देश दिए? गाड़ी कोई ना जाने दीजिए, थोड़ी इलेक्शन से या पार्टी से संबंधित गाड़ी हो, उनका पेम्पर, उनका सारा ये खर्चा भी लीजिए, उनसे क्या कितना खर्च हो रहा है, उनको सही से खर्चा नहीं दे पाते। ये इन्होंने बताया कि उस गाड़ी को विशेष तरीके से देखिए कि कितनी कंप्लेंट वगैरह क्या है। ये चुनाव आयोग से कोई अधिकारी आए थे तो इन्होंने भी आपके साथ संयुक्त रूप से चेकिंग किया है? कुछ लगातार लगभग 1 घंटा खड़े होकर के संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलवाया, सारी गाड़ियाँ चेक करवाई।